जनाब ताहिर मुर्शिदी साहब, दी नेक्स्ट स्पीकर इज जनाब मोहम्मद उस्मान साहब। बहुत शुक्रिया डार साहब। सबसे पहले मैं अपने साथियों की तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से, पार्टी के चेयरमैन अशकजी साहब की तरफ से रज़ा रबानी साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ। रबानी साहब वाक़ेतन पाकिस्तान की पार्लियामानी जमहूरी हिस्ट्री में जो शुमार के चंद स्टार्स हैं, लीडर्स हैं, वो वाक़ेतन उसमें रबानी साहब का शुमार भी हैं, क्योंकि पाकिस्तान एक फेडरेशन है, पश्तून बलोच सिंधी सराकी अक़वाम का मुश्तरिका घर है। पाकिस्तान एक कसीरुल कौमी रियासत है, कसीरुल लिसानी रियासत है। पाकिस्तान में मुख्तलिफ कल्चर्स हैं और फेडरेशन की अलामत सेनेट हैं। लिहाजा रबानी साहब सेनेट के चेयरमैन के साथ साथ फेडरेशन का भी एक सिंबल हैं। मेरी गुजारिश है रबानी साहब से, सबस के मेंबर हजरात से, कि सेनेट का नाम तो बाला है, बाला एवान बाला कहते हैं इसे, मगर इख्तियारात में बहुत कम हैं। लिहाजा रबानी साहब की क़ियादत में सेनेट के मेंबर हजरात से मेरी ये गुजारिश है कि सेनेट के इख्तियारात के लिए हम लोगों ने जदोजहद करनी है। वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, नो कॉन्फिडेंस के लिए वज़ीर आज़म की, बजट की, और जो भी इख्तियारात नेशनल असम्बली की हैं वही अख्तियारात सेनेट के होना चाहिए। हकीकी फेडरेशन की बहाली के लिए सेनेट के इख्तियारात इंतहाई लाजमी हैं। नंबर वन, हमें उम्मीद है कि 18वीं तरमीम की तरह अब हम अगले 3-6 साल के लिए रबानी साहब के क़यादत में सेनेट की बालादस्ती और उसके इख्तियारात के लिए हमें जदोजहद करना चाहिए। नंबर वन। नंबर टू, जब पाकिस्तान एक फेडरेशन है तो लिहाजा पाकिस्तान में कौमों की और कौमी वादतों की बराबरी होना चाहिए। पाकिस्तान में पश्तो, बलोची, सिंधी, सराइकी, पंजाबी जबाने आइन का हिस्सा होना चाहिए। एजुकेशन मादरी जबानों में होना चाहिए। पाकिस्तान में कौमी वादतों की असर नव तश्कील होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान के आइन के बाद आर्टिकल जो हैं वो वाक़ेतन उसमें तब्दीली लाने चाहिए। एक तकसीम कुदरत की तरफ से है, दूसरा तकसीम अंग्रेज की तरफ से था। लिहाजा इस हाउस को जो है अंग्रेज के तकसीम को नहीं मानना चाहिए, कुदरत का तकसीम को मानना चाहिए। रबानी साहब के क़यादत में इसके लिए हम जदोजहद करते रहेंगे। हमारे वसाइल पर हमारे इख्तियार हों, कौमों के और कौमी वादतों के वसाइल पर कौमों का इख्तियार होना चाहिए। जनाब रबानी साहब से मेरी एक गुजारिश है, खैबर पश्तूनख्वा और बलूचिस्तान वफाक इन सूबों की इन वादतों के मकरूज हैं सर्विसेज में और बिजली और गैस की आमदनी में। हम रबानी साहब से ये गुजारिश करेंगे कि हमारी कर्ज दिलवा दो मरकज से। और इसी के साथ मेरी गुजारिश ये है कि पाकिस्तान में उस वक्त तक सही डेमोक्रेसी नहीं आ सकती जब तक मुल्क में ज़री इस्लाहत ना हो। एक एक फ्यूडल की 10,000, 20,000, 50,000, 1,00,000 एकड़ ज़मीनें हैं और उसके मज़ारे हैं। लिहाजा की डेमोक्रेसी के लिए ज़री इस्लाहत होना चाहिए इस मुल्क में। और इसी के साथ हमारी गुजारिश ये है, कांग्रेस ने हमें तकसीम किया और यहाँ तक 68 साल में
पाकिस्तान के आइन ने उसको बरकरार रखा। पश्तूनख्वा वतन की वादत ये हमारा बुनियादी कुदरती इंसानी हक है कि इस मुल्क में पश्तूनख्वा वतन की हकीकी वादत और उसके हकीकी तशख्खुस होना चाहिए। मैं हर्ज कर रहा हूँ एक मिनट और डॉक्टर साहब, और इसी तरह खारिजा पॉलिसी जो है वो पार्लियामेंट में तय होना चाहिए, पार्लियामेंट से बाहर नहीं होना चाहिए। मेरी गुजारिश है रबानी साहब से, खारिजा पॉलिसी में कौमी वादतों का मशावरत और शिरकत मर्जी लाजमी है, और सियासत में सारी जिंदगी के लिए फौज इंटेलिजेंस अदारों की मुदाखलत नहीं होना चाहिए। और इसी के साथ मेरी गुजारिश है रबानी साहब से कि आपके क़यादत में जो है मुल्क में दहशत गर्दी का खात्मा होना चाहिए, सेनेट इसके लिए जदोजहद करें, और आज़ाद जमहूरी अफगानिस्तान में मुकम्मल 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 मुदाखलत बंद होना चाहिए। इस खिते के लिए और इस दुनिया के लिए हमारे मुल्क के लिए बहुत ज़रूरी है। और इसी के साथ जनाब रबानी साहब से हमारी गुजारिश है, क्योंकि आज एक नई हिस्ट्री बन रहे हैं। एक ही लम्हे में रबानी साहब चेयरमैन और दूसरे लम्हे में वो मुल्क का कायम मकाम सदर होगा। तो लिहाजा हमारी गुजारिश है रबानी साहब से कि जो इकोनॉमिक कॉरिडोर हैं ग्वादर टू काशगर, वो खैबर पश्तूनख्वा जोब क्वेटा ग्वादर टू जो है, प्लीज वाइंड अप उस्मान साहब, जो है इस रूट को जो है हतमन लाजमी जो है इसका ऐलान होना चाहिए। बहुत मेहरबानी। मेरी जो ऑनरेबल स्पीकर्स, बहुत शुक्रिया जो बात करेंगे।